आपको फैक्टराइज करना है। दिया कैसा है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ओके माइनस फोर इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस सिक्स ओके, दिस यू हैव टू फैक्टराइज, दिस इज़ द क्वेश्चन। चलो सो दिस इज़ द डाउट नंबर वन, कैसे फैक्टराइज करेंगे। सी नाउ, अब ये जो इक्वेशन है इट इट इज़ नॉट इन द प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है। इसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा टफ है, ठीक है। इसको ईजी बनाने, बट यू डू टेक लेट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को कोई और वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है, एज यू विश, टेक इट ए, ठीक है, लेट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए, देन डू वट, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू मैं ए रख दूंगा, बट आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ए, ताकि मेरी सारी इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में ए के टर्म्स में आ जाए और मैं उसको फिर फैक्टराइज करके फाइनली ए की वैल्यू एक्स से रिप्लेस कर दूं, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में ए स्क्वायर, वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यू शुड नो दिस फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सो इन द सेम वे इफ आई यूज दिस फॉर्मूला it will going to be x square plus b square will be 1 upon x square plus 2ab, so 2 into a is x, b is 1 upon x is equal to a square, ठीक है। तो what will happen from here, आप देखेंगे कि x वाला term तो cancel, x x cancel, तो यहाँ पर आ जाएगा x square plus 1 upon x square is equal to a square minus 2, ठीक है, this 2 I have taken to the right hand side, तो एक तो मेरे पास x square plus 1 upon x square की value आ गई in terms of a और x plus 1 upon x तो हमने लिया ही है, ठीक है। फिर जो हमारी गिवन इक्वेशन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस गिवन इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं मॉडिफाइड फॉर्म में लिखता हूँ, इन टर्म्स ऑफ ए लिखता हूँ, ठीक है। सो सपोज इसको मैंने इक्वेशन वन बोल दिया, इसको मैंने इक्वेशन टू बोल दिया, सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू व्हाट आई विल डू, सी आई विल पुट द वैल्यूज ऑफ वन एंड टू इन दिस हाईलाइट इक्वेशन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस टू माइनस फोर ब्रैकेट में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू ए है प्लस सिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये मॉडिफाई हो गई है, ठीक है। इसको मैं खोलूंगा, सो इट विल गोइंग टू बी ए स्क्वायर माइनस टू माइनस फोर ए प्लस सिक्स, ठीक है, एंड दिस विल गोइंग टू बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर। नाउ द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म विल गोइंग टू वर्क, ठीक है। अब तो ये बहुत ईजी हो गया है, आपको माइनस फोर ए को दो हिस्सों में स्प्लिट करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके इट शुड गिव यू द पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, फोर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर इट विल बी माइनस टू ए हियर और यहाँ पर भी माइनस टू ए, सो माइनस टू ए विल गोइंग टू गिव यू माइनस फोर ए, एंड इफ विल मल्टीप्लाई माइनस टू ए इट विल गोइंग टू गिव यू प्लस फोर ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस टू ए अगेन माइनस टू ए प्लस फोर, ठीक है। तो इफ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन, नाउ व्हाट यू विल डू, यू हैव टू टेक कॉमन, इफ यू टेक ए कॉमन फ्रॉम हियर, तो यहाँ पर कितना जाएगा ए माइनस टू विल गोइंग टू कम, ओके, एंड इफ यू टेक माइनस टू कॉमन अगेन यहाँ पर ए माइनस टू विल गोइंग टू कम, ठीक है। सो ए माइनस टू ए माइनस टू, तो आपके फैक्टर्स क्या बन गए, आपके फैक्टर्स बन गए ए माइनस टू, इफ यू टेक ए माइनस टू कॉमन, एक टर्म ये हो गया एक टर्म ये हो गया, ए माइनस टू कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए माइनस टू हैव टेकन कॉमन, तो ए माइनस टू इंटू ए माइनस टू, ठीक है। तो ए माइनस टू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, ए माइनस टू इंटू ए माइनस टू लिख सकते हो। Now what you have to do at last, you just have to put the value of a. So what you have taken, the value of a x plus 1 upon x. This will be x plus 1 upon x. A ki value rakh di, minus 2 in one bracket. Aur dusra x, a ki value fir se x plus 1 upon x. Okay, minus 2 in another bracket. Theek hai? So I hope ye aap logo ko samajh mein aa gaya hai.